मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वन साइडेड क्रूसेड, रिसर्च नहीं होती। तुम्हें या मुझे क्या लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि सच क्या है। क्या है सच, ये ढूंढना तुम्हारा काम है शहबाज। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब होंगे खैरियत से। मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रिएक्शन विद अहमद। तो जी, हम इंडिया की बहुत सी मूवीज़ के ऊपर अपने रिएक्शन देते रहते हैं। काफ़ी मूवीज़ के जो लैंग्वेज भी नहीं हमें समझ आ रही होती, उसके ऊपर भी अपने रिएक्शन देने की कोशिश करते हैं। आज जिस मूवी के ट्रेलर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और जिस ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन देने के लिए जा रहा हूँ, ये जी पाकिस्तान की मूवी है और इस मूवी का नाम है गुंजन। उसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है और बड़ी अच्छी स्टोरी है, क्योंकि इसके मूवी के जो मेन कैरेक्टर हैं जिनका नाम है अहमद, वो एक बड़े अच्छे अदाकार हैं। इन्होंने अब तक जितने ड्रामे दिए हैं, इन्होंने ऑलरेडी ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत अच्छे ये एक्टर हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और जितना काम इन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर किया है वो काबिले तारीफ है। तो जब ये मैंने ट्रेलर देखा, मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर भी अपने रिएक्शन दिए जाए और ये आपसे शेयर किए जाए। तो देख लेते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। तो लेट्स प्ले द वीडियो। अच्छा, कुछ अच्छे से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ वहाँ पर। साल का सबसे बड़ा केस लगा है कोर्ट में और आप एक नई नौकरी के चक्कर में। एआई कैसे रिलीज है? इसने तो कत्ल किया था। कत्ल नहीं होया सी, गलती ना। बेस्ड ऑफ ट्रू इवेंट। अच्छा, ते हले साडा काम मुकिया नहीं, सारे मजदूर बच्चे हैं स्कूले पढ़ावांगे। मुझे पता चल गया है कि उसको किसने मारा है और क्यों मारा है। ये सब तुम हो रहे हैं, असल साजिश तो किसी और की है। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वन साइडेड क्रूसेड, रिसर्च नहीं होती। तुम्हें या मुझे क्या लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि सच क्या है। क्या है सच, ये ढूंढना तुम्हारा काम है शहबाज। रोज दा बिल्ली सी हो, मैं तो उस दिन उन्हें पहली बार मिल गया। लुकवान ना लियो यार, सब पैसे की गेम है, डॉलर आते हैं ढेर ढेर। उसमें कोई शक ही नहीं कि इरफान मसीह का कत्ल साजिश थी। ये तो घुटता है, लावा उबलता है, किसकी सुनूं कौन। सच की आवाज बुलंद करने की कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे नहीं पता था कि जुल्म इतना अंधा होगा। तो फ्रेंड्स, ये था जी गुंजन मूवी का ट्रेलर। जैसा कि आप सबको मैंने पहले ही बताया था कि ये अहमद अली अकबर जो हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर, ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट को ये चूज़ करता है बंदा। और अगर ये बंदा इस मूवी के अंदर काम कर रहा है और मेन रोल अदा कर रहा है, तो मैं आपको ये गारंटेड कह सकता हूँ कि मूवी की स्टोरी भी वो काबिल तारीफ होगी। और जो अगर ट्रेलर की बात की जाए, म्यूज़िक का जिस तरह इस्तेमाल किया गया, कलर्स का, एनिमेशन का इस्तेमाल फ़िलहाल कुछ जाहिर नहीं हो सका, क्योंकि ये एक केस से रिलेटेड स्टोरी नज़र आ रही है कि अहमद अली अकबर एक वकील के असिस्टेंट होंगे और फिर वो एक केस को हैंडल करेंगे जो किसी मसीह फैमिली से कोई बिलोंग करता है और उसके कत्ल का केस होगा। और ये मैं भी इसकी थोड़ी सी स्टोरी चेक कर रहा था, एक रियलिटी बेस्ड पाकिस्तान के अंदर होने वाला एक रियलिटी बेस्ड कुछ इशू है जिसके ऊपर ये मूवी बनी है। और ये मूवी जनाब जल्द आ रही है सिनेमास के अंदर। जैसा हिंदुस्तान की इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रही है और बाकी इंडस्ट्रियाँ
तेलुगु मूवीज हो गई, भोजपुरी मूवीज हो गई, वो भी उनकी भी इंडस्ट्रीज बहुत ग्रो कर रही है। इसी तरह पाकिस्तान की भी इंडस्ट्री काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। तो बेस्ट विशेष मेरी जी पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए भी है कि वो भी ऐसी अच्छी से अच्छी मूवीज लेके आ रहे हैं और बड़ी अच्छी स्टोरीज लेके आ रहे हैं, यूनिक स्टोरीज लेके आ रहे हैं। तो जैसे मैं तमाम दूसरी मूवीज के लिए भी वेल विशिंग का इजहार करता हूँ, तो मैं इसके लिए भी बहुत उम्मीद हूँ कि ये एक अच्छी स्टोरी सामने आए और बहुत अच्छा बिजनेस करे, जैसा बिजनेस पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर मूवी मौला जट ने करके दिखाया था। तो बेस्ट विशेस विद यू अहमद अली अकबर और पाकिस्तानी इंडस्ट्री। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि इसी तरह आपके बताए गए वीडियोस पर मैं अपने एक्शन लाता रहूं, तो जल्दी से इस चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक, अपना रखना बहुत सा ख्याल। मैं मिलूंगा जल्द एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।